गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जैसे कि आप लोग वीडियो के टाइटल से समझ गए होंगे कि ये एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का फुल वीक का वीडियो है। मे बी शायद एक्सटेंड कर दूँ मैं, बट अभी मैं मॉर्निंग ड्रिंक में जो ले रही हूँ वो आपको दिखा रही हूँ कि मैंने एक पैन में पानी ले लिया है और उसमें ज़ीरा डाला है और उसको बॉयल करूँगी मैं, और ये ज़ीरा वाटर मैं पीऊँगी अर्ली इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। इसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालूँगी और थोड़ा सा नींबू का रस डालूंगी, जिससे ये जो टेस्ट है वो एनहांस हो जाएगा। तो चाय बनाने के बाद मैं सबसे पहला काम जो कर रही हूँ कि वो मैं अपने थायराइड की मेडिसिन खा रही हूँ, और मेडिसिन को मैंने इस जीरा वाटर के साथ ही पी लिया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा खट्टा खट्टा लगा। और मैं ऐसा इंसान हूँ जो सुबह सुबह ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करता है, आई जस्ट लाइक बींग क्वाइट या फिर लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो अभी फ़िलहाल मैं बस अपनी चाय पी रही हूँ और अपनी मम्मी के साथ बैठी हूँ। सो अभी लंच टाइम है और उसके बीच में मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने सिर्फ वो जीरा पानी पिया था। और उसके बाद डायरेक्टली मैं अभी खाने वाली हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ही ये होता है कि आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दो और सीधा लंच खाओ, मतलब 16:8 का रेशियो होता है। 16 आवर्स आप फास्टिंग में रहते हो और 8 आवर्स आप खाना खाते हो। तो उस 8 आवर्स में आपको क्या करना है कि कुछ हेल्दी खाना है। ऐसे नहीं कि आप उस 8 घंटे में पकौड़े खाए जा रहे हो, कचौड़ियाँ खाए जा रहे हो, समोसे खाए जा रहे हो, और 16 घंटा आप फास्ट रखे हो तो आपको लगेगा कि आपका वेट लॉस होगा। ऐसा नहीं होगा, आपको उस 8 घंटे में जो भी खाना है हेल्दी खाना है, और स्पेशली जो नाइट का आपका मील होगा वो सबसे ज़्यादा लाइट होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। तो अभी आप देख लो कि मेरे कोयल बोल रही है, यहाँ पर बहुत कोयल बोलती है। तो मेरे लंच में क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। सो लंच पे मेरे पास है राइस, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं राइस नहीं छोड़ सकती बिल्कुल भी। ये थोड़ी सी शेजवान चटनी है, ये बरबट्टी आलू है, बट इसमें मैंने आलू नहीं लिया है, सिर्फ बरबट्टी लिया है। और ये एक स्पेशल आलू की सब्जी है जिसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, बहुत इजी है। और ये बॉयल्ड आलू है तो इतना हार्मफुल नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा आलू लिए हैं। और ये दाल है, दही है, और ये टमेटोज़ है। दिस इज़ माई लंच फॉर टुडे। आपको लंच के बाद मिलती हूँ कि स्नैक्स क्या खाऊंगी, या बीच में अगर मैं कुछ भी खाऊंगी या पीऊंगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा हेडेक हो, ठीक है, लेकिन नॉजिया नहीं होगा इतना मैं कह सकती हूँ, लेकिन थोड़ा हेडेक होने की चांसेस है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो एक नई डाइट को लाइक एक्सेप्ट कर रही है। तो इसीलिए जब भी आप कुछ चेंज करते हो डाइट में स्पेशली, तो आपको थोड़ा बहुत हेडेक होता है, और स्पेशली जब आप भूखे रहते हो रात के टाइम में। अगर आप लाइट खा रहे हो और अगर आपको जैसे भूख लगने लग जाती है रात को, आधी रात को जाग रहे हो और भूख लग रही है, तब हेडेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और तब भी आपको कंट्रोल करके रखना, दैट इज़ द टेस्टिंग पीरियड, कि आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। अगर आपने वो टेस्ट पास कर लिया, 1 हफ्ते तक आपको हेडेक होगा, आफ्टर दैट क्या होगा कि आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी उस हंगर के लिए भी और हेडेक नहीं होने के लिए भी, तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। 1 हफ्ते तक होता ही है हेडेक, थोड़ा होता है, दिस मच आई कैन से, क्योंकि मुझे हुआ था लास्ट ईयर 1 वीक तक मुझे हेडेक हुआ था, स्पेशली क्योंकि रात को मैं जागती हूँ ज़्यादातर, थोड़ा लेट नाइट सोती हूँ, तो इसीलिए रात के टाइम में अगर मैंने लाइट खाना खाया जैसे ओट्स खाया, एग्स खाए, तो हेडेक होता था। लेकिन फिर मैं उस टाइम पे अगर मुझे कुछ खाने का मन करता भी था तो मैं क्या करती थी, मूढ़ी होती है वो खा लेती थी, सूखी मूढ़ी, मीठी वाली नहीं, सूखी मूढ़ी खा लेती थी, या फिर ओट्स के लड्डू मैंने बना रखे थे वो खा लेती थी, एक जस्ट टू लाइक किल द हंगर एंड स्लीप, क्योंकि अगर आपको भूख लग रही है तो नींद नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं अगर आप स्पेसिफिक डाइट फॉलो कर रहे हो तो टाइम पे सोना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सो जाओगे तो भूख नहीं लगेगी। अगर आप सो जाते हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप सो नहीं पा रहे हो तो फिर आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। सो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं बनाने वाली हूँ अपनी ग्रीन टी, जिसकी रेसिपी आपको एक और ब्लॉग में मिलेगी जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये ग्रीन टी पीना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ मेरी ग्रीन टी बन रही है और इसके बाद मैं इसको पीऊँगी। ये 2 टाइम की है, रात की और अभी की, तो रात को खाना खाने के बाद एक बार और अभी शाम को एक बार पीऊँगी।
सो ये मेरी ग्रीन टी तैयार हो गई है और अभी मैं इसको फिनिश करूँगी। ये फुल मग भर की ग्रीन टी है, मतलब ग्रीन टी की क्वांटिटी इतनी नहीं है इसमें, लेकिन इसमें बाकी सारे चीज़ें बहुत सारे हैं। जैसे आप इसमें देख ही सकते हो, थोड़ी बहुत चीज़ें फ्लोट कर रही हैं, लेकिन इसमें ग्रीन टी भी है। सो यहाँ पे मैं अपने लिए ओट्स का चीला बना रही हूँ, जिसका बैटर मैंने प्रिपेयर कर लिया था। इसके बैटर में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको चाहिए दही, सूजी और ओट्स। सूजी इसलिए डालनी पड़ती ताकि जो ओट्स है वो लाइक जब इसका चीला बने तो ज़्यादा टूटे नहीं, क्योंकि चीला बनाते टाइम क्या होता है पलटते वक्त वो टूट जाती है। तो मैंने हाफ हाफ क्वान्टिटी दोनों के लिए हाफ ओट्स और हाफ सूजी और उसको दही के साथ उसमें प्याज और हरी मिर्च डाल के और नमक डाल के मिक्स कर लिया है। और तो जैसे ही ये थोड़ा पक जाएगा तो आप देखोगे कि ये ऐसा हो गया है, मतलब इस पे लिक्विडी लिक्विडी नहीं है, ये थोड़ा सा ड्राइश हो जाएगा ऊपर से। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे ही पलट सकते हो या फिर इसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगा सकते हो, क्योंकि ये जो तवा है वो ऑलरेडी ग्रीस पे पहले से और काफ़ी देर से चल रहा था, तो मैं इसको ऐसे ही पलट दूंगी और ये दूसरी तरफ पक जाएगा और फिर हमारा जो है चीला रेडी। ये मेरा डिनर है आज के लिए, और आज डिनर में है ये ओट्स के चीला, और ओट्स का चीला, मेरी हिंदी को क्या हो गया है, ये है ओट्स का चीला, और ये है पनीर, और ये है शेजवान चटनी, जिसके बिना मैं खाना नहीं खा रही आजकल, क्योंकि मुझे टेस्टी लगती है और है तो फिर मैं खा ही लेती हूँ इसीलिए। तो अब आपको मिलूँगी डे टू पे, और इसके बाद नहीं, डे टू पे क्यों, इसके बाद बाकी है मेरी ग्रीन टी, अगर आप देखना चाहोगे तो मैं वो दिखा दूंगी। ठीक है, तो ये ग्रीन टी अभी मैं पीऊँगी इसके 1 घंटे बाद, और अभी बज रहे हैं आई थिंक 9:30, 9:30, 10:30 तक मैं ग्रीन टी फिनिश करूँगी और उसके बाद पैकअप, आज के दिन का खाने का कोटा पूरा। तो अभी बज रहे हैं रात के 10:30 to 10:45 और मैं पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी ग्रीन टी फिनिश करूँगी और इसके बाद शायद मैं पढ़ूंगी थोड़ा सा या कुछ राइटिंग वर्क करूंगी अपना। अभी अभी मुंह धोया ना, थोड़ी सर्दी लगी, साउंडिंग फ्रॉम द नोज, हिमेश रेशमिया लग रही हूँ मैं, आई एम सॉरी। एनीवे, तो इसके बाद के जो क्लिप्स आप देखोगे वो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट 7 डेज के होंगे मोस्ट प्रोबेबली, और उसमें मैं आपको खाली अपने खाने की रूटीन और खाने का कि मैं क्या खा रही हूँ, खाने की रूटीन में मैं क्या खा रही हूँ वो दिखाऊंगी, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि मैं आपको लाइव रिजल्ट्स दिखा पाऊँ, जो कि मुश्किल है, मुझे लग रहा है कि मुश्किल है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 10 kgs लूज कर लिया है ये करके। अब मुझे ऐसे क्यों लगता है कि मेरी बॉडी जो है वो स्टैगनेंट हो गई होगी, और जबकि मेरे को डाइट छोड़े को लाइक मैं बीच में अभी क्रिसमस गया तो मैं केक भी खाने लग गई थी, चाय भी पीने लग गई थी दूध वाली एक टाइम, तो ये सब मैंने खाना स्टार्ट कर दिया, शुगर भी मैं खा रही थी, पर मेरा वेट टचवुड नहीं बढ़ा था, वेट मेरा जितना था रिड्यूस करने के बाद उतना ही था, क्योंकि इतनी जल्दी वेट बढ़ता नहीं है अगर आप मेंटेन करके रखो तो। तो अभी देखो मैं फिर से फुल फ्लेजेड उसी फॉर्म में लाइक डाइट फॉलो करना चाहती हूँ, नो शुगर, नो मिल्क, नो मैदा, पर दुखद बात ये है और अच्छी भी बात है बुरी भी बात ये है कि बीच में 2-4 शादियाँ हैं और शादी में जाना ज़रूरी है, और शादी में जाओ और आप खाना ना खाओ ऐसा तो लाइक इतना स्ट्रांग डिटर्मिनेशन नहीं है इतना स्ट्रांग डिटर्मिनेशन नहीं है कि मैं जाऊँ और मैं नहीं खा पाऊँ। ठीक है, तो आई विल हैव शादी का खाना ऑल्सो, लेकिन आई विल सी टू इट कि मैं दोपहर को, और ब्रेकफास्ट तो करना ही नहीं है, कि मैं दोपहर को ओट्स खा लूँ, तो जो मैं रात को खाती थी वो मैं दोपहर में खा लूँ, और रात को तो फिर शादी का खाना खाना ही पड़ेगा। तो 7 डेज की डाइट है, 7 डेज में सिर्फ एक ही दिन ऐसे होगा कि मुझे शादी का खाना खाना पड़ेगा, बाद में बाकी 2-4 शादियाँ और हैं, लेकिन तब तक ये डाइट 7 डेज ही कंप्लीट हो जाएगी। एंड आई विल ट्राई टू मेंटेन द फैक्ट कि मैं दूध और चीनी नहीं खाऊं इसके बाद, क्योंकि एक बार आपकी वो जो डाइट की जो फ्लो है
नहीं खाने की जो फ्लो है वो अगर एक एक दिन भी टूट जाए ना, तो दूसरे दिन आपको फिर मन करने लगता है कि आप खा लो। तो यही मैं चाहती हूँ। बीच में एक्चुअली हुआ यही था कि दिसंबर के टाइम पे मैंने एक बार दो बार चाय पी ली, केक खा लिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो कंटिन्यू हो गया, वो कंटिन्यू हो गया। यही यही एक क्या कहते हैं कंट्रोलिंग फैक्टर है कि अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओ तो अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसको कैसे भी तरीके से बैलेंस कर लो। बहुत ज़्यादा मैंने आज बोल दिया, तो इसी के साथ अभी आज फर्स्ट डे का ये रैप अप है। सेकेंड डे में आपको खाली खाने दिखेंगे और मैं थोड़ी बहुत दिखूंगी, और मैं थोड़ा बहुत ज्ञान देती रहूंगी और आपको मैं दिखती रहूंगी। ठीक है, तब तक के लिए कल मिलते हैं, बाय।